जो हम बताने जा रहे हैं उसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ये जो इंतजार है ये कुछ दिनों का इंतजार नहीं था, ये महीनों का इंतजार नहीं था, ये सालों का इंतजार था। फाइनली अब आप बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर के उस टीम से मिलना चाहते हैं जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहां पे कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो अननोन है, सारे चेहरे नोन है और सारे फैकल्टी से आपने पढ़ा है। हर किसी का एक अलग अंदाज है, हर किसी का एक अलग कंटेंट है, हर किसी में एक अलग तरह का क्रिएटिविटी है। जो भी बेस्ट हो सकता है यानी कि एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचाने में जिस तरह का भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हर किसी में एक यूनिक क्रिएटिविटी है। अगर आप एक अलग टीम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम से जरूर जुड़े। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हमने शुरू में भी बताया था कि टॉप 100 अगर आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट फ्लैट 10,000 रुपीज का इंटीग्रेटेड में डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर आप प्रीलिम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि 6 महीने का कोर्स है, 1 मार्च से ही शुरू हो रहा है दोनों, तो उसमें आपको 4,000 रुपीज का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली हम तैयार हैं, वी आर रेडी। नमस्कार, मैं मयूर कस्तूरी शुरू करने वाला हूं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास दोनों बैचेस में, यानी प्रीलिम्स बैच में भी और इंटीग्रेटेड यानी प्री प्लस मेंस बैच में भी। तो इंतजार रहेगा आपका 1 मार्च को। धन्यवाद। अगर बात होते एक विषय जिला की थे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के आप देखो कि कोनो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई सब्जेक्ट रखते तो वो सब्जेक्ट रही थी आपके लिए छत्तीसगढ़। तो अगर छत्तीसगढ़ के मार्केट में एक ट्रेंड चलते, वो ट्रेंड ये है कि आप लोग बार बार और बार बार क्या करते, रटवाए जाते। और मैं ये चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ ला रटे जा सकते। जब मैं आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ तो आप एक चीज़ फील करे हो कि मैं छत्तीसगढ़ ला पढ़ावत आप लोग छत्तीसगढ़ ला एक बार जिए के आप लोग एक मौका देता हूँ, एक अवसर देता हूँ। काबर कि कोई चीज़ ला जब हमन का करथन, देखथन, सुनथन और लिखथन, तब वो चीज़ हमन ला ज़्यादा याद रही थे। तो आप मोला अगर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में देखे हो, तब मैं जब अपन क्लास पढ़ावत रहे हूँ, तब आप एक चीज़ देखे हो कि मैं वहाँ बेस्ट इमेज और बेस्ट वीडियोस के प्रयोग कर रहे हूँ, जेकर से जब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे बर जाऊँ तो प्रीलिम्स के एग्जाम में ये चीज़ होते कि हमन बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लगा के जाते हैं और हम अल्लाह चीज़ें याद नहीं आ। लेकिन जब हम कभी ओकर वीडियो देखे रही थे तब वो चीज़ हमारे लिए याद आते। और जब बात होते हैं मेंस की, तो मेंस में जब आप कोनो प्रकार के वीडियो देखे रहो तब आपके मन में एक चीज़ आते कि हम ओला कहाँ से चालू कर सकते हैं और कहाँ हमला ख़त्म करना है। साथ में वो एक चीज़ वो बता देता हूँ कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी है, आप देखो कि मंथली मैगजीन बनाते, वो मंथली मैगजीन में जो छत्तीसगढ़ के कंटेंट जाते ओमा कोको कैप्सूल है ओला वहीं बनाते। तो ओकर से का चीज़ होते, मैं डेली छत्तीसगढ़ से अपडेट रहता हूँ और एकर फायदा आप लोग क्लास में मिलते। जब भी कभी मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, जब भी कभी मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं वो सब चीज़ के कार्य थे अपडेट रही थे। तो एकर से आप क्या कर सकता हूँ, चीज़ों लोग बहुत बेहतर ढंग से याद कर सकता हूँ और मोर जो ट्रिक है, मोर जो कहानी बताए के शैली है, ओकर से सब कोई परिचित हो। अगर जिन मन परिचित नहीं हो, आप एक बार कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल खोलूँ और मैं मोर वीडियो देखूँ तो आप लोग वो चीज़ पता चल जाए। अब अगर बात करते हैं क्लास के कि क्लास में सबसे खास बात क्या है, आप जब भी कंपटीशन कम्युनिटी में एडमिशन लूँ तो पहले दिन ही आपला सब सब्जेक्ट के आपला किताब आपला प्रोवाइड कर दी जाए। और मोर खास बात का रही, जब क्लास में पढ़ाऊँ था, जब भी मैं आपला क्लास पढ़ाऊँ तो टू दी पॉइंट या फिर पॉइंट टू पॉइंट आपला का बनाऊँ एक नोट्स जो मोर खुद की हैंड रिटन रही या ऑपरेट टाइपिंग है, वो आपला प्रोवाइड करे जाए, ताकि जब आप क्लास पढ़े बरा हो तो एक बार ओला पहले घर से पढ़ के आ जाओ, दूसरा मैं ओला आपला क्लास में पढ़ाऊँ, और तीसरा चीज़ जब क्लास खत्म होत रही तो क्लास खत्म हो के 10 मिनट पहले जितना चीज़ हम पढ़े रिबो ओला रिवाइज करबो, अगला दिन फिर सुबह आबो 10 मिनट फिर उसी चीज़ पे का करबो चर्चा करबो, ओकर से हमार पढ़ाई का हो जबरदस्त तरीके से हम ओला याद करे के हमारे अंदर शैली डेवलप हुई। ओकर बाद अगर बात करथन कि सर हमन जब क्लास बहुत बड़े रहते, जैसे आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी जब आहू तो देखो कि 500 से 700 स्टूडेंट एक जगह बैठ सकते, मतलब आप लोग जो PSC में माहौल चाहिए पढ़े बर कि हमारे पास सर कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन एक डिसएडवांटेज है का कि आप लोग इसे लगते कि सर हमन डाउट कैसे पूछन, तो ओकर लिए हमार जो कोचिंग है एकदम बेहतरीन फीचर लेके आया है। हमारे यहाँ सैटरडे के दिन केवल डाउट क्लियरिंग क्लास हुई और सैटरडे के केवल टॉपिक वाइज सब सब्जेक्ट के टेस्ट हुई।
चाहे टेस्ट में आप अपन आपके का कर सकता हो, सेल्फ एनालिसिस कर सकता हो कि आपके पढ़ाई कैसे चला थे, अगर दिशा सही है कि नहीं, तो ये सब चीज आप देखो, तो ये सब होने वाला है आप लिए कहाँ पे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। गांधी चौक की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहाँ कुछ मकान मालिक विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करते हैं, तो वहीं संविधान का अनुच्छेद 21 उन्हें अपने कमरे के अंदर शांति से बैठ के पढ़ाई करने के लिए राइट टू प्रिवेसी का अधिकार प्राप्त कराता है। पीएससी की तैयारी में पॉलिटी और इकोनॉमी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डीप और एनालिटिकल स्टडी की डिमांड करते हैं, जिन्हें आम जनजीवन के एग्जाम्पल से रिलेट करके बड़े आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। पॉलिटी जहां प्रीलिम्स की अपेक्षा मेंस की अपेक्षा प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं इकोनॉमी प्रीलिम्स की अपेक्षा मेंस पेपर 5 में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं 1 मार्च से शुरू होने वाली मंगला चौक में हमारी ऑफलाइन क्लासेस। और समझिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो होगा क्या, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और मेंस की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होनी चाहिए, और ये स्ट्रेटजी आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब आप पेपर की नेचर को समझेंगे। प्रीलिम्स से क्या होता है गाइस, आपके क्वेश्चन के लेवल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, और प्रैक्टिस की बहुत नीड है प्रीलिम्स में, यानी कि सी सेट की बात कर रहा हूं। अगर मेंस की बात करें तो वहां पे आपको लिखने का प्रैक्टिस अधिक डेवलप करना होगा, लेखन शैली को आपको वहां पे डेवलप करनी होगी। तो प्रीलिम्स में हम क्या करने वाले, समझिए आप, जैसे पहले क्लास में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, एग्जांपल बता रहे हैं, तो परसेंटेज को पढ़ाने के बाद जो भी क्लासे पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसके साथ साथ क्लास में प्रैक्टिस शीट भी देंगे, ताकि अधिक से अधिक नए नए पैटर्न के सवाल को प्रैक्टिस कर सको, और बिना प्रैक्टिस का मैथ्स तो होगा नहीं। अब क्या होगा, मान लो परसेंटेज हम पूरा पढ़ लिए, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर अब हम इस पेपर में फोड़ देंगे, बात समझे। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे प्रैक्टिस तो हम कर देंगे, दूसरी बात लेवल का ख्याल रखेंगे, क्योंकि लेवल एग्जाम में कुछ ज्यादा देखने को मिला है, हर लेवल घबराने की जरूरत तो है नहीं, वो आप वीडियो देख चुके मेरा यूट्यूब पर, है ना। अब मेंस में हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, मेंस में क्या होगा गाइस, कि लेखन शैली को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस होगा मेरा, क्योंकि मेंस ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बड़ा आसान आते हैं, मतलब चाहे तो 50 में आउट ऑफ 50 हम कर सकते हैं, रीजनिंग का वेटेज 1-2 सवाल ही होती है वहां पे। तो वहां पर क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम में गाइस कोशिश करूंगा कि आपको लेखन शैली डेवलप कराएं, रोज का रोज आपको 10 क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इसको लिख के लाओ, और हम आपको बताएंगे कि यार ये स्टेप आपने मिस कर दिया, अगर इसको लिखते यार इस तरीके से लिखते ना, तो मैक्सिमम मेंशन क्या करते हैं, मार्क्स को गेन कर पाते, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ओवरऑल आपको तैयार करेंगे ऑफिसर बनने तक की सफर के साथ, मैं आपके साथ रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं हम लोग 1 मार्च से ऑफलाइन क्लास में, आप रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिएगा जो ओपन हो चुका है, तो ठीक है, मुलाकात करते हैं, ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ बेहतरीन करना, कुछ बड़ा करना, ये लक्ष्य लेकर के आइए, और बाकी तो हम लोग है ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार, हिंदी साहित्य की एक कालजय पंक्ति है जिसके अनुसार निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, अर्थात अपनी मातृभाषा की उन्नति के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं पारितोष जायसवाल, और आपकी मेरे मुलाकात होने वाली है अब ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी। मैं आपसे बात करूंगा पेपर 1 के पार्ट 1 सामान्य हिंदी और पेपर 7 के पार्ट 1, जिसमें हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन एंड स्कीम्स के बारे में। पेपर 1 की एंजाइटी से लेकर पेपर 7 तक की फटीक की यात्रा हम किस प्रकार से कर पाएंगे, इसके लिए आप जुड़िएगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऑफलाइन क्लासेस के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है आपके बिलासपुर सेंटर में 1 मार्च 2023 से। हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी तक आप सभी जान चुके होंगे कि आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर सीसेट का ये पार्ट होने वाला है, और सीसेट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन इसके बावजूद पिछले वर्ष का जो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा वो काफी भयानक और डरावना रहा, तो रीजनिंग को किस तरीके से हम लोग कवर अप करने वाले हैं, इसको जानने के लिए पहली बात तो ये कि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ अलग अलग सेशंस के माध्यम से जुड़े रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं नए हैं। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग को हम लोग इस तरीके से कवर अप करने वाले हैं कि टॉपिक आपका कोई भी हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका कोई भी हो, हम लोग डिटेल से हर एक कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई भी हो, कुछ भी हमसे छूटना नहीं चाहिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें एग्जाम में जाना है, और हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से कवर अप करेंगे। तो पहला जो हमारा पढ़ने की जो शैली होगी वो ये होगी कि हम लोग हर एक विषय, हर एक टॉपिक के डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे, और इसके बाद हमारा अप्रोच, यानी कि क्वेश्चंस को लेकर के हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एग्जाम हॉल में हमारी स्ट्रेटेजी और स्मार्ट तरीका क्या होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, इस पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अभ्यास करके जाना है, ताकि एग्जाम में
कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी ना हो। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन में धूम मचाने के बाद कंपटीशन कम्युनिटी 1 मार्च 2023 से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट कर रहा है बिलासपुर में, और उन बैचेज में मैं पढ़ाने वाला हूँ साइंस, साथ ही साथ फिलोसफी और सोशियोलॉजी। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बेस है। साइंस भी आपको पता है ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, साथ ही साथ ये जो फिलोसफी है ये भी किसी न किसी समाज विशेष से संबंधित एक सोच को धारण करने वाली चीजें हैं। समाजशास्त्र हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को हम ठीक है एक इनरिच कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट के मामले में कहीं भी भटकना ना पड़े, और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट वे पे पढ़ेंगे, वन टू वन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक जो भी डाउट्स हैं ठीक उन डाउट्स को क्लियरिंग करते हुए पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है दूसरी चीज की, कि चीजों को हम कैसे पकड़े, ठीक कैसे चीज को याद रखें। तो चीज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है रिविजन, अर्थात हमारा जो है डाउट क्लियरिंग सेशन, उस डाउट क्लियरिंग सेशन में जो कमजोर बच्चे हैं, जो लैग कर रहे हैं, उनके लिए हम अलग से ठीक है चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगे। साथ ही साथ जो टेस्ट चलेगा हमारे यहाँ, वो टेस्ट जो है आपके नॉलेज को शार्प करने में आपकी मदद करेगा, चीजों को मेमोराइज करने में मदद करेगा। जो गलती हम एग्जाम हॉल में करते हैं, वो गलती उससे अच्छा है कि हमारे ठीक सेंटर में हो जाए, बैठ के ही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहीं सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ताकि अंतिम में आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे पे आएगा। और साथियों, भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आप लोगों से कहूँ, विगत 5 वर्षों के अगर परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों को अगर आप देखते हैं, तो एनालिसिस बेस्ड प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और साथ में आपका मैप ओरिएंटेड प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ जो होने वाली स्टडी, एक स्मार्ट वे पे आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। मार्च में आप लोगों की क्लास स्टार्ट होनी है, और याद रखिएगा साथियों, सारा जो होगा आप लोगों का स्टडी इंडियन ज्योग्राफी का, वो विजुअलाइजेशन पे बेस्ड होगा। मतलब आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, ताकि आप लोगों के मनस्पटल में बेहतर तरीके से आप उसे संजो सकें। और मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अभी लिमिटेड समय बचा है। ऑफर्स आप लोगों को सारे लोगों को बताए हैं कौन मयूर सर, कि किस प्रकार से डिस्काउंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और अगर आप एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप एक बार सेंटर ज़रूर विजिट करें। आप लोगों को ये एहसास होगा कि किस प्रकार की स्टडी यहाँ होने वाली है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त MM आलम। मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी पढ़ाऊँगा। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हम 1 मार्च से बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस में मिलने जा रहे हैं। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था आपसे मिलने का, हो सकता है आपको भी हो। दोस्तों CGPSC के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी पढ़ाई करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, प्री के हों चाहे मेंस के, वो थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाइड बन रहे हैं। और मेंस में खासतौर पर मैंने देखा कुछ ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल थॉट बेस्ड थे, जैसा कि UPSC में पूछा जाता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और जो मेरा 10-15 साल का जो अनुभव है पढ़ाने का इलाहाबाद दिल्ली में, उस अनुभव के आधार पर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें मिले, ताकि इस तरीके के जो भी प्रश्न हैं वो आप आराम से कर सकें। और दोस्तों हम अपनी पढ़ाई में इस बात का ज़रूर ख्याल करेंगे कि आपकी जो एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो प्रशासनिक अधिकारी वाली पर्सनालिटी बने, ताकि आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक कोई भी दिक्कत ना हो, और सिलेक्शन के बाद भी वो सारी चीज़ें आपको आपके जो काम है, कार्यक्षेत्र है, उसमें वो दिखाई पड़े, ताकि जो एक प्रशासनिक अधिकारी का जो प्रेस्टीज है आप उसको एस्टीम में चेंज कर सकें। मिलते हैं जल्दी ही, धन्यवाद। साथियों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी साथियों का एक बार पुनः कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। साथियों, जब CGPSC क्लास शुरू होगी तो आप वहाँ मेरे साथ पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, साथ ही जब CGPSC मेंस की क्लास शुरू होगी तो आप वहाँ मेरे साथ पेपर 7 के अंतर्गत आने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तथा स्पोर्ट इवेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, जब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे हम इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो वहाँ जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ हमारी कोशिश होगी कि विजुअल तरीके से स्मार्ट बोर्ड के जरिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और पढ़ाई जाए। उससे होगा क्या कि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। बहुत सारे रिसर्च हैं वो ये कहते हैं कि जब आप कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो और हाथों से लिखते हो, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। उसी तरह से हमारे पढ़ाने का तरीका भी यही है। साथियों, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय हमारी कोशिश रहती है कि आपके ये तीनों अंग काम करें, और उस समय हम कोशिश करते हैं कि आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करने में हेल्प करें। जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट इवेंट चर्चा कर रहे होंगे तो वहाँ भी हमारी कोशिश होगी। सामान्य तौर पर होता क्या है कि हम प्रीलिम्स को लेकर के ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद कर लेते हैं, कि फला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां हुई, कब हुई, कितने सदस्य देश हैं, मुख्यालय कहां हुई। लेकिन जब हम पढ़ेंगे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे तो वहां
इसका क्या कारण रहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होने का क्या उद्देश्य रहा, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन चाहे भारत हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूँ सुखवीर सिंह और आप सभी साथियों को CGPSC के पेपर 7 के पार्ट 3 से रूबरू कराऊंगा, जिसमें आप पढ़ेंगे मेरे द्वारा राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं उनका इस देश में क्या योगदान रहा है, इसको हम आपको डील करेंगे। मैंने 5 साल के जो टीचिंग के दौरान मैंने देखा कि बच्चों को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उसमें समस्या सबसे पहले यही होती है कि टीचर यार सिलेबस पूरा कराएगा कि नहीं कराएगा, क्या जो क्लास होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, क्या डाउट सेशन चलेगा या नहीं चलेगा, क्या आंसर राइटिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको इस बात का प्रॉमिस कर देता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो क्लास चलने वाली है तो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, और इस बात की श्योरिटी भी देता हूँ कि पूरा सिलेबस कराया जाएगा यहाँ पर। जय जोहार संगवारी हो, मैं वीरेंद्र कुमार डिक्सेना कंपटीशन कमेटी में आप सबो जन के स्वागत ल करत हूँ। जैसे कि आप सब जन ला पता चल गए हुई कि हमार ऑफलाइन क्लास 1 तारीख ले शुरू हुआ थे, जेमा मैं यहाँ आप मन ला छत्तीसगढ़ी भाषा ला बहुत अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाए के पूरा प्रयास ला करूँ। ठीक है, तो हमन ला आप मन के इंतजार रही 1 मार्च के। जय जोहार। तो फाइनली हम तैयार हैं, वी आर रेडी।